माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है साइज स्पेस पे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि साइज स्पेस क्या है। ये आपको हेल्प करेगा किसी भी साइंटिफिक लिटरेचर को अंडरस्टैंड करने में। यानी कि कोई भी पब्लिश आर्टिकल है और आपको उसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो आप उसकी समरी जो है इससे ले सकते हैं। फर्दर मोर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उस पेपर से रेलिवेंट उसका आंसर भी आपको देगा। यानी कहने का मतलब है कि विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है आप एक आर्टिकल ना सिर्फ पढ़ सकते हैं बल्कि उसको अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर का पार्ट बना सकते हैं। आइए देखते हैं साइसपेस आपकी कैसे हेल्प करेगा। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा साइसपेस पे, जैसे कि इसकी होम पेज के ऊपर वेरी क्लियर मेंशन है, 2 आवर्स वर्थ ऑफ रीडिंग इन मिनट्स। यानी कि घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हैं। कौन सा काम? आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं किसी भी आर्टिकल को जिसके ऊपर आपको घंटा लगे या 2 घंटे लगे, उसको विद इन अ फ्यू मिनट्स जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मकसद तो हमारा है लिटरेचर को समझना। तो समझने के लिए जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प लें तो ये सबसे बेस्ट टूल है। आइए इसकी होम पेज के ऊपर देखते हैं कि क्या कुछ ऐसी जो है ऑप्शंस अवेलेबल है जिनको फर्दर यूटिलाइज करेंगे। राइट साइड पे आ जाए तो सबसे पहले जो लिटरेचर रिव्यू हमें करके देगा। यानी कि आप किसी भी, आप कंफ्यूज हैं कि आप जो नई रिसर्च करना चाह रहे हैं, आप स्टूडेंट्स एमएस पीएचडी के, तो आप इस जो है लिटरेचर रिव्यू वाले ऑप्शन को यूज करके जो है आप अपना न सिर्फ टाइटल बना सकते हैं बल्कि उस टाइटल के ऊपर डिफरेंट किस्म के आर्टिकल ले सकते हैं और फिर उनकी समरी भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है कोपायलट्स। यानी कि अगर आपके पास लिटरेचर में कोई भी जो है वो पीडीएफ की फाइल अवेलेबल है, उस पीडीएफ की फाइल में कोई भी जो है वो उसने मेथड यूज किया हुआ है या रिजल्ट्स हैं, उनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पायलट। ये आपको सपोर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ एआई। नेक्स्ट है जी साइटेशन जनरेटर। यानी कि अगर आप किसी भी आर्टिकल के ऊपर जो है उसकी साइटेशन बनाना चाह रहे हैं जस्ट लाइक दैट एंडनोट और मेंडले, तो ये आपको वहां पे भी हेल्पफुल होगा। यानी कि आप किसी भी जो है उस जर्नल के फॉर्मेट में अपने पेपर को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको यह विद इन अ फ्यू सेकंड जो है करके देगा। उससे आगे जो पैराफ्रेजर, उस स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि वो जब डिफरेंट जगह से जो है लिटरेचर से जो है पैरा तो बना लेते हैं लेकिन उसमें क्या आता है, प्लैजरिज्म आ जाता है। तो ये क्या करेगा, आपको पैराफ्रेज ना सिर्फ उसको रिफ्रेज करके देगा बल्कि जो है उसमें से अगर कंटेंट्स हैं जो है हमारे पास प्लैजरिज्म के, वो भी रिमूव करके देगा और उसकी सेंस भी खराब नहीं होगी साइंटिफिकली। और लास्ट वन यहाँ पे क्या, एआई डिटेक्टर्स। वो से ये है, लोगों ने ये भी क्वेश्चन रेस करते हैं कि हम लिख तो लेते हैं एआई से लेकिन उसकी डिटेक्शन का कैसे हमें पता चलेगा कि वो प्लैज ना कौन, अभी तो वैसे नहीं हो रहा लेकिन अगर आप चेक करना चाह रहे हो तो हमारे पास यहाँ पे इसके ये ऑप्शन अवेलेबल है ए डिटेक्शन का। आइए वन बाय वन इन पांचों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में आप इसे कोई भी टाइटल दे सकते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यूली फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, आपको नहीं पता कि आप जिस टॉपिक के ऊपर, वैक्सीन डिजाइन के ऊपर या कोविड के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, आप उसके लिटरेचर के बारे में कोई हेलो हाई नहीं है, आप जस्ट आके जस्ट कुछ वर्ड यहां पर लिखिए, अगली कहानी यहां से इसको स्टार्ट कर देगा। इसी में और ऑप्शन भी अवेलेबल है, हम उसमें से कोई आर्टिकल भी उठा सकते हैं पीडीएफ की फॉर्म में और उस आर्टिकल से डिफरेंट काइंड ऑफ द डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट पैराग्राफ को रिफ्रेस भी कर सकते हैं जो भी हम वन बाय वन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसमें से इसको हम एक क्यूरी यहां पे देते हैं लिटरेचर रिव्यू के लिए इस सर्च बार में आके, व्हाई आर एजिंग कोविड पेशेंट्स आर ससेप्टिबल टू दी सिवियर कॉम्प्लिकेशन। मैं इसको ये क्यूरी दे रहा हूं कोविड के ऊपर कि कोविड से रिलेटेड जो डिफरेंट किस्म की जो है कॉम्प्लिकेशंस, उसके ऊपर मुझे जो है वो लिटरेचर रिव्यू करके दे। अब देखिए विद इन अ फ्यू सेकंड जो है उसने एक पैराग्राफ यहां बना दिया। अब ये पैराग्राफ जो है सिर्फ एक उसने गूगल से नहीं कहीं उठाया हुआ, ये उसने कहां से उठाया हुआ, टॉप 5 पेपर से जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। अब टॉप 5 पेपर क्या मीनिंग है, जो मोस्ट रेलिवेंट होंगे प्लस जो मोस्ट रिसेंटली पब्लिश्ड होंगे, लास्ट 5 इयर्स के होंगे, यानी कि 24 के होंगे, 23 के होंगे, 22 के होंगे, तो उसकी एक समरी उसने यहां बना के दे दी और तमाम कोविड से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है वो यहां से समराइज कर दी है। ना सिर्फ आपको ये ओवरव्यू दे रहा है कि भाई इस टॉपिक के ऊपर क्या काम हुआ है, साथ साथ अगर नीचे आए तो ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। फर्स्ट कॉलम में देखें तो उसने टॉप 10 पेपर जो मोस्ट रेलिवेंट होंगे इसके वो नीचे यहां पर दे दिए हैं। ठीक है, वो पीडीएफ उनके यहां पर अवेलेबल है। मोस्ट स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि हम सर्च तो करते लेकिन गूगल से हमें जो कंप्लीट आर्टिकल डाउनलोड नहीं होता, तो ये सारे आर्टिकल यहां से आप पीडीएफ फाइल की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ये तमाम रिसेंट पब्लिश आर्टिकल उसने दे दिए। ठीक है, ना सिर्फ ये, अगर हम सेकंड कॉलम पे आए तो वो जो आर्टिकल यहां पे पीछे दिया हुआ है, जैसे कि एनालिसिस ऑफ रिस्क फैक्टर फॉर सीवियर कोविड-19, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पेपर है, तो इसकी जो इनसाइट्स है, इनसाइट्स से मतलब उस पेपर में क्या हुआ है, उस पेपर के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो आपको यहां दे देगा। और उससे बढ़कर टीएलडीआर से मुराद ये कि उस आर्टिकल में जो उसने जो मेन मेथोडोलॉजी यूज की है वो कौन सी थी और उसके ऊपर रिजल्ट्स क्या आए थे, उसने आपने यहां पे उसको हाईलाइट करके दे दिया। इसके बाद अगर आप इस एरो पे क्लिक कीजिएगा तो ये एरो आपसे फर्दर पूछेगा कि क्या आप इस पेपर, ये फर्स्ट वन पेपर हमारे पास है, इसमें से और क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए कंक्लूजन है, ठीक है, इसका समराइज अब्स्ट्रैक्ट है, रिजल्ट है, कोई भी चीज। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं कंक्लूजन, जैसे मैं कंक्लूजन किया, देखिए मुझे उसने इस आर्टिकल का जो कंप्लीट जो कंक्लूजन यहां पर ला के दे दिया। आपके पास जितने भी आर्टिकल्स यहां पर नीचे मेंशन है इस टॉपिक से रिलेटेड सारे आप यहां
से फाइंड आउट करके दे सकते हैं। फर्दर मोर अगर आप इन तमाम आर्टिकल की जो है उसको सेव करना चाह रहे हैं, साइटेशन उसकी जो सेव करना चाह रहे हैं, तो आप इसको साइटेशन के फॉर्मेट में ले सकते हैं। बिब टेक्स्ट हो, एक्सेल फाइल, इन तमाम आर्टिकल की साइटेशन आपको दे देगा फॉर योर फ्यूचर रिकॉर्ड, ठीक है। और रेलिवेंसी अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे जो इसकी साइटेशन है वो जो न्यूज आर्टिकल जो रिसेंटली पब्लिश हुई उनकी बेस पे दे, ए एंड जी दे या जेड सेंडिंग ऑर्डर में, सेंडिंग ऑर्डर में वो सारी आपको यहां पे दे देगा। और उससे बढ़कर सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो है ऑप्शन जो मुझे अच्छा लगा वो ये क्या है कि ये तो आपको इंग्लिश में यहां पे सारी चीजें मिल रही है। अगर आपको इंग्लिश में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप कोई भी लैंग्वेज यहां पे दुनिया की सिलेक्ट करके उसमें से एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, ठीक है। और यहां से इसके आर्टिकल जो है जो पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल हैं, ओपन एक्सेस में है, ठीक है, जो टॉप टायर के वो भी आपको मोड फिल्टर करके यहां से दे देगा अगर आप उसके मोस्ट रेलिवेंट देखना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये तो है इसके जो है वो लिटरेचर व्यू से रिलेटेड सारी कहानी। आइए इसके होम पेज के ऊपर दोबारा आते हैं और नेक्स्ट हम ऑप्शन इसका यूज करते हैं लिटरेचर रिव्यू का, वो है आस्क क्वेश्चन ऑन पीडीएफ। यानी कि हम बात कर रहे हैं कोपायलट की। कोपायलट से मुराद क्या कि हम यहां पे कोई भी पीडीएफ यहां पे अपलोड करेंगे। मैं रिसेंटली पब्लिश अपने एक आर्टिकल यहां पे अपलोड करता हूं ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के ऊपर, ठीक है, विद इन अ फ्यू सेकंड ये इसको अपलोड कर लेगा। ये देखें हमारा जो आर्टिकल मैंने यहां पीडीएफ फॉर्म यहां पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब कोपायलट जो है मुझे यहां पे हेल्प आउट करेगा, दिस इज कोपायलट पेज। ये एआई डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है और ये आपसे पूछ रहा है कि भाई ये जो आर्टिकल हमने अपलोड किया है इस आर्टिकल में आपको क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, कौन सा मेथड यूज हुआ है, अब्स्ट्रैक्ट को अगर आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। और सबसे बढ़कर अगर तो एक आर्टिकल है, स्टूडेंट को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक आर्टिकल सर्च किया बाकी कैसे सर्च करें, तो जस्ट आप क्लिक करेंगे रिलेटेड पेपर्स के ऊपर तो इससे रेलेवेंट जितने भी पेपर्स होंगे उसकी लिस्ट आपको यहां प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। या आप इंट्रोडक्शन को समराइज करना चाह रहे हैं या आप रिजल्ट्स को देखना चाह रहे हैं तो ये आपको सब कुछ प्रोवाइड करके देगा। फॉर एग्जांपल हम यहां पे उसके कहते हैं कि जी एक्सप्लेन अब्स्ट्रैक्ट विद इन टू लाइन्स, ये एआई आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है। तो जैसे आप इसको जो सेलेक्ट करेंगे लिखेंगे तो ये देखिए विद इन टू लाइन जो है उसने हमें जो इसकी अब्स्ट्रैक्ट की जो है दे दिया कि किस जीन के ऊपर काम हो रहा है और कौन सा हमारे पास कैंसर है और किस फ्यूजन प्रोटीन के जो है एक्सप्रेशन हम चेक कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ये पूरे पूरे अब्स्ट्रैक्ट का लुब्बे लबाब आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर मजीद क्वेश्चन भी कर सकते हैं, फॉलो अप में जाएं तो मजीद क्वेश्चन इसके ऊपर कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पर रहते हुए किसी भी पैराग्राफ, फॉर एग्जाम्पल आपको ये मैथड का पैराग्राफ है, आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा यूं इस तरीके से सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप इसके टेक्स्ट को एक्सप्लेन करवा सकते हैं, इसको समराइज करवा सकते हैं और इससे रेलेवेंट पेपर ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि विद ना पेपर जो है आप रहते हुए किसी भी पैराग्राफ को फर्दर जो है डिकोड कर सकते हैं। तो इससे बढ़कर क्या आपको जो फैसिलिटेशन देगी एआई, ठीक है। और इसकी बेस पे जो है फॉर एग्जाम्पल कोई इक्वेशन है, कोई मैथड को समझ नहीं आ रहा तो इसको एक्सप्लेन कर देगा। जस्ट लाइक मैं क्लिक करता हूं एक्सप्लेन एक्सट्रैक्ट, तो ये देखिए उसने इसको यहां पे सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद उसने जो है इसको एक्सप्लेन करना यहां पे शुरू कर दिया। और अगेन यहां पे भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ये देखें उसने जो है ये जो इस पैराग्राफ में जो कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको इस तरीके से यहां पे एक्सप्लेन कर दिया इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द बुलेट्स, उसकी समरी भी दे दी है। ओके जी, ये तो था हमारे पास जो कोपायलट को यूज करके जो हम अपने आर्टिकल्स को किस तरीके से फैच आउट कर सकते हैं और इससे कैसे डाटा निकाल सकते हैं। मूव करते हैं हम साइटेशन जनरेटर के ऊपर, जस्ट क्लिक ऑन दैट कि आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा ये। अब यहां पे रहते हुए आपके पास किसी किस्म का कोई भी साइटेशन अवेलेबल है, आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, न्यू स्टाइल देना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू जर्नल, तो आप यहां पे आके जस्ट अपनी साइटेशंस को अपने रेफरेंस को यहां पे पेस्ट कीजिएगा और यहां से आप दुनिया यहां के जितने भी जो है वो स्टाइल जो अवेलेबल है आज तक वो सारे सारे जर्नल्स के स्टाइल यहां पे अवेलेबल है, उनमें से किसी को एक को आप सिलेक्ट कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है कन्वर्ट करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर नेचर सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या है, यहां पे साइटेशन आपने कैसे ऐड करनी है, आप मैनुअली भी इसको ऐड कर सकते हैं, चाहे वो आप साइटेशन वेब पेज से है, चाहे वो जनरल आर्टिकल से है, चाहे वो बुक से है, चाहे वो बुक चैप्टर से है, किसी से भी है। फॉर एग्जाम्पल हम जनरल आर्टिकल की बात करते हैं तो यहां पे हम कहते हैं इसको स्टार्ट में न्यू करके दे, तो हम इसको क्या करते हैं यहां पर मैंने ऑलरेडी जो एक साइटेशन आपके लिए रखी हुई है अपने आर्टिकल से, मैं इसको कॉपी करता हूं यहां से, इसका स्टाइल चेंज करने के लिए यहां आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट करने के बाद जैसे यहां पर आ जाएगी, जैसे मैं जनरेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए मुझे उसने ना सिर्फ साइटेशन दे दी बल्कि उनकी इंटेक्स साइटेशन का स्टाइल भी मुझे बता दिया है। और यहीं पे आप रहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर कहते हैं नहीं मुझे स्टाइल में नहीं चाहिए, मुझे एपीए में चाहिए, आप क्लिक करेंगे एपीए को तो ये इसकी फॉर्मेटिंग कन्वर्ट करके दे देगा एपीए स्टाइल में, देख दिखते एपीए स्टाइल, ठीक है, उसमें आपकी साइटेशन कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है, ये उसकी डिटेल उसने खुद फैच कर ली है और इंटेक्स साइटेशन उसने दी कि एपीए स्टाइल में इंटेक्स साइटेशन कैसी होती है। तो ये सबसे बेस्ट वे है किसी भी अपनी साइटेशन को कन्वर्ट करने के लिए विद इन अ फ्यू सेकंड्स, ठीक है। ओके जी, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास क्या जी पैराफ्रेजिंग, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें लेगा इस पेज के ऊपर, ठीक है। अब पैराफ्रेजिंग मुराद क्या, आपके पास कोई भी पैराग्राफ अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल मैं यहां से एक पैराग्राफ यहां से कॉपी करता हूं, ठीक है, इस कंक्लूजन वाला पैराग्राफ को मैं यहां से कॉपी करता हूं लाइक दैट। इस पैराग्राफ की अगर मुझे समझ नहीं आ रही, इसको मैं रिफ्रेज करना चाह रहा हूं, मैं इसको यहां पे पेस्ट कर दूंगा, इसको क्लिक करता हूं रिफ्रेज,
देखें मुझे जो भी पैराग्राफ मैंने यहाँ पे इसको इनपुट दिया था वो जो है ना रिफ्रेश करके दे देगा। अब रिफ्रेशिंग हम मोस्टली इसलिए कराते ताकि उसमें प्लैज खत्म हो जाए और साइंटिफिक जो सेंस वो भी खराब ना हो, तो आपकी कोई भी स्टडी अवेलेबल है तो आपको तरीके से वो कन्वर्ट करके दे देगा। फिर फर्दर मोर अगर आप चाह रहे एकेडमी से बना दें कि आप रिसर्च आर्टिकल और थीसिस के लिए चाह रहे हैं तो ऐसा करके देगा। अगर आप चाह रहे मुझे फ्लुएंटली करके दे, फ्लुएंट को सिलेक्ट कर दें दोबारा रिफ्रेश के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो इस पैराग्राफ को ये बारह चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये देखिए द स्टडी अनवील दी सिग्निफिकेंस ओवर एक्सप्रेशन बला 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 इस तरीके से। ठीक है, फिर फॉर्मल भी है, फिर क्रिएटिव भी है, जैसे जस्ट लाइक चैट जीपीटी करता है तो ये हमें डिफरेंट ऑप्शन देता है अपने पैराग्राफ को रिफ्रेश करने के। अब आप इस बात पे कंफ्यूज हैं कि यार जो इसने हमें यहाँ पे पैरे को रिफ्रेश करके दिया दिस पैराग्राफ जिसको उसने रिफ्रेश किया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रिफ्रेशिंग में उसने इतना ज्यादा एआई ऐड कर दिया कि उसमें प्लैज आ जाए, प्लैजरिज्म आ जाए, उसका भी सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। आप जस्ट वापस आए दोबारा होम पेज पर, यहाँ पे आखिरी ऑप्शन अवेलेबल है ए डिटेक्टर, इसको क्लिक कीजिएगा। जैसे इसको क्लिक कीजिएगा तो पैराग्राफ जो आपने वहां पे रिफ्रेश किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दे, या कोई भी पैराग्राफ जो आपके पास अवेलेबल है जो आपने चैट जीपीटी से या किसी भी इनमें से, ठीक है, क्विलबोर्ड से, जैस्पर से, या ह्यूमर से, या कोई भी आई जनरेटेड है, कोई भी पैराग्राफ आपके पास अवेलेबल, आप जस्ट चेक करना चाह रहे हैं क्या उसमें प्लैज है या नहीं है, तो आप उसको यहाँ पे जस्ट पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद उसको साइंटिफिक क्लिक कीजिए क्योंकि हमारे मोस्टली काम साइंटिफिक से रिलेटेड है, आप उसको एनालाइज कीजिएगा। जस्ट क्लिक ऑन एनालाइज, तो जैसे ये एनालाइज करेंगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसमें जो एआई रिडक्शन हमें मिली है वो 25% इस पैराग्राफ में है। सारी बात अभी हमने उसको कन्वर्ट किया तो उसमें एआई हमें उस तरीके से बता देगा। ठीक है, और लेवल कौन सा मॉडरेट है। ठीक है, 2 out of 8 सेंटेंसेज वार एआई रिटन, बाकी सारे सेंटेंस उसके अपने जो हाईलाइट उसने करके दिए हैं जो कहते हैं एआई ने रिटन करके दिए हैं। इसका एक ऑप्शन और भी अवेलेबल है, आपके पास कोई पीडीएफ अवेलेबल है, मोस्टली हम जो है कोई आर्टिकल जब बना लेते हैं तो उसको पीडीएफ में ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये आर्टिकल पब्लिश ऑलरेडी है, मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ एनालाइज, जैसे मैं एनालाइज को क्लिक करूंगा तो देखिए उसने इस आर्टिकल को अपलोड करना शुरू कर दिया और अपलोड के साथ साथ जो है उसके ऊपर समरी बनाना शुरू कर दी है। देखिए अपलोडिंग उसकी हो रही है और साथ साथ उसको एनालाइज भी कर रहा है और एआई की रिपोर्ट भी दे दी है। ठीक है, इस एआई की रिपोर्ट को आप प्लेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे बता रहा है कि इसमें सिर्फ 4% जो है मैंने एआई से रिलेटेड डाटा लिया हुआ है, बाकी सारे का सारा काम जो ह्यूमन जो है इंटेलिजेंस का है, मॉडरेट लेवल है इसका। सिर्फ 3 sentences out of 71 मैंने इसमें जो है वो इस पीडीएफ में जो है वो एआई से लिए हुए हैं। ये उसकी रिपोर्ट भी यहां पे हमारे पास आ गई है और नीचे तो ये नीचे ही देखिए आर्टिकल भी अवेलेबल है। तो अगर आप इसकी रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं क्लिक जो है डाउनलोड पीडीएफ करें तो ये देखिए इस तरीके उसकी रिपोर्ट बना के आपको दे देगा। ठीक है, इसको आप फर्दर यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एआई का कितना कंटेंट है और नीचे जो है सारे का सारा ये आपके पास आर्टिकल आ गया। तो किसी भी एडिटर को या आप अपने जनरल रिव्यूअर को जो आपके ऊपर ये कह दें कि आपका प्लेज यहां से अगर है या अपने सुपरवाइजर्स के लिए भी तो आप यहां से उसको ये रिपोर्ट जनरेट करके दे सकते हैं। और इससे बेटर जो है मेरे हाल में कोई और टूल अवेलेबल नहीं है अभी तक जो कि एआई की डिडक्शन करके आपको दे, तो ये आपको एआई की डिडक्शन करके भी देगा। अब मैं इस पॉइंट पर तो जरूर पहुंचा हूं कि अगर आप अभी रिसर्च में बिगिनर्स हैं तो आपकी सबसे बेस्ट जो हेल्प कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल वह है साइस्पेस। आइए और इसको जो है एक्सप्लोर करें और अपनी रिसर्च को जो है 4 चांद लगाइए।